एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सठोली कदम में स्थित फतेहपुर गांव पड़ा। लगभग 1600 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान नौसाद हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव में एक भी विद्यालय नहीं है, जिससे गांव में साक्षरता दर बहुत कम है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 158 शौचालय व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी कराया है। साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 15 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व 40 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, कब्रिस्तान की बाउंड्री, सीसी रोड, शमशान घाट तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 50 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान नौसाद फतेहपुर और जिला सहारनपुर तहसील भेट थाना मिर्जापुर, मैंने अपने गांव में एलईडी लाइट 40 पोल पे जो लग रही और लगभग आरसीसी 6 सड़कें और आंगनवाड़ी के अंदर और 158 के करीब शौचालय और लगभग सफाई सुफाई का ध्यान ठीक है, पर जो अगली डिमांड है हमारे गांव में स्कूल नहीं है और स्कूल ये जो सरकार का लक्ष्य है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें गांव में हमारे स्कूल नहीं है। गांव में से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है स्कूल के लिए दूसरे गांव में। हमारे गांव में स्कूल की सुविधा नहीं है, स्कूल बनना चाहिए और जो थोड़ी बहुत लाइट वाइट की भी एक रोड ट्रांसफार्म, इंटर कॉलेज की भी मांग करा, इंटर कॉलेज बनना चाहिए। अभी इधर के पंचायती घर और लगभग सीसीबी आरसीसी रोड भी बहुत गिरेंगे, नाले वाले की प्रॉब्लम बहुत है, ये बढ़ने चाहिए। सरकार से उम्मीद है कि हमारे काम पे ध्यान दिया जाए।